समझते हैं यहां के क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव द्वारा प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, वो की सी। उस तो पहला सानू यह समझ लेना चाहिए है कि एक्सपेरिमेंटल मैथड की हुंदा है जो पावलोव ने अपनाया, क्योंकि पावलोव साइंटिफिक मैथड लई रिजिड बहुत सी कि उससे नू अप्लाई किया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल मैथड का मेन परपज की हुंदा है कि इंडिपेंडेंट वेरीएबल का डिपेंडेंट वेरीएबल से इफेक्ट की हो रहा है। इत्थे साडे कोल एक्सपेरिमेंट विच इंडिपेंडेंट वेरीएबल फूड है, साउंड ऑफ बैल है, इन्हां दा प्रभाव डिपेंडेंट वेरीएबल की है, ए सलाइवेशन रिफ्लैक्स रिस्पोंस है। सो जदों इंडिपेंडेंट वेरीएबल दा डिपेंडेंट वेरीएबल ते प्रभाव देखा जाता है, कुछ होर वेरीएबल जिहड़े इन्हां दोनों दे रिश्ते नूं डिस्टर्ब करते हैं, विच आ जाते हैं, दखल देंदे हैं, इंटरवेन करते हैं, उन्हां नूं कंट्रोल करना, पार्शल आउट करना, हटाना बहुत जरूरी हो जाता है एक्सपेरिमेंटल मैथड विच। सो उन्हां वेरीएबल नूं पावलोव हटाएगा, अगे आपां एक्सपेरिमेंट च देखते हाँ, ते जदों उन्हां वेरीएबल नूं हटा दिता जांदा है जिहड़े कि इन्हां च दखल दिंदे हन, नॉर्मली वह वेरीएबल का संबंध डिपेंडेंट वेरीएबल नाल हुंदा है, उन्हां नूं जां उह उते प्रभाव पाउंदे हन, जनरली इत्थे सलाइवेशन नूं प्रभावित करनगे, उन्हां नूं हटा दिता जांदा है। इस कंडीशन नूं, इन्हां कंडीशनज नूं कंट्रोल्ड वेरीएबल और इस टोटल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन नूं कंट्रोल्ड कंडीशन कहा जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। नैक्सट है कि इंडिपेंडेंट वेरीएबल नूं होर की कहा जाता है, कॉज वेरीएबल भी कहा जाता है, स्टिमुलस वेरीएबल भी कहा जाता है, स्टिमुलस बार बार यूज होएगा। नैक्सट है कि डिपेंडेंट वेरीएबल नूं की कहा जाता है, इफेक्ट वेरीएबल भी कहा जाता है और रिस्पोंस वेरीएबल भी कहा जाता है। इस तो इलावा एक्सपेरिमेंटल मैथड दी दो होर कंडीशन की होंदिया है कि मैनीपुलेशन करनी होंदी है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरीएबल दी, पावलोव जां एक्सपेरिमेंटर ने जो करनी होंदी है, ठीक, मतलब मैनीपुलेशन मीन बैल किसी भी तरह की दी जा सकती है, किसी उच्ची मध्यम नीवी वो किसी टाइप की दी जा सकती है, फूड किसी टाइप का दिता जा सकता है ना, एक्सपेरिमेंटर ने करना है। दूसरा है इस तो इलावा कि डिपेंडेंट वेरीएबल नूं ऑब्जर्व करना होंदा है, ऑब्जर्व करने लिए एक्सपेरिमेंटल विच हमेशा ही वेरीएबल नूं मैयर किया जाता है नंबर विच, इसलिए इस नूं क्वांटिटेटिव अप्रोच किया जाता है, QT लिखा है, क्वांटिटेटिव अप्रोच। सो इत्थे रिफ्लैक्स रिस्पोंस सलाइवेशन नूं टेस्ट ट्यूब विच इकट्ठा करके मेयर किया जाता है। हम देखते हाँ कि पावलोव ने यह एक्सपेरिमेंटल सैटिंग, एक्सपेरिमेंटल मैथड का प्रयोग किवें किया। नॉर्मली पिक्चर है जिहड़ी उसनों डिपिक्ट करती है, लेकिन अगे जाके मैं असल पिक्चर भी दिखाना हाँ, इस तो थोड़ा असं समझ लें हाँ। सब तो पहला यह समझ लीए कि जो डॉग है वो हंगरी है, ड्राइव जिसनों कहा जाता है, एबसेंस ऑफ फूड है, वो पेट विच नहीं है। दूसरा वो पैसिव है, पैसिव कितों पता लगता है, वैसे तो डॉग हिलजुल सकता है, एक्टिव है, इधर उधर जा सकता है, लेकिन इस सिचुएशन इस एक्सपेरिमेंट सिचुएशन विच ये उसनों इतों भी बनया होया है, इतों भी बनया होया है, इतों भी बनया होया है, ये पैर भी, लेकिन एक इस एक्सपेरिमेंट सिचुएशन विच डॉग नूं इत्थों भी बन्निया होया है, इत्थों भी बन्निया होया है, देख सकते हो इत्थों भी बन्निया होया है और उसके पैर भी बन्ने हुए हैं। इट मीनस डॉग नूं इनएक्टिव, निष्क्रिय, पैसिव रखा गया है। दूसरा कि जो डिपेंडेंट वेरीएबल जिसकी गल करके आए हाँ, उसनों मैयर करन दा इंतजाम किया गया है, उसके मूँह विच ट्यूब फिट की गई है, जिस नाल अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ सलाइवा जिहड़ा है मापिया जा सकता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछे गल करके आए हैं कंट्रोल्ड कंडीशन दी, कंट्रोल्ड कंडीशन करन लई इंडिपेंडेंट बाकी दे जिहड़े वेरीएबल उसनों हटाउन लई जिहड़े दोनों वेरीएबल दे विचकार आंदे ने, उन्हां नूं हटाउन लई दो चीज़ां कीतियां गईयां। एक्सपेरिमेंटल रूम नूं नंबर एक डार्क किया गया, क्यों डार्क किया गया, क्योंकि जो डार्कनेस हनेरा करन नाल डॉग नू होर कोई स्टिमुलस दिखाई नहीं देगा, सो दिखाई देन वाले ओ स्टिमुलस कंट्रोल कर ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस एक्सपेरिमेंट विच, फॉर एग्जाम्पल इस एक्सपेरिमेंट ए डॉग है, पावलोव नू डॉग देख सकता है, ए विजुअल स्टिमुलस है, उसके असिस्टेंट नू देख सकता है, तीसरा फूड प्लेट नू देख सकता है, चौथा है कि पैर चाप नूं सुन सकता है। सो देखण वाले इन्हां वेरीएबल नूं हटाया जाएगा, वो हटाने लई नंबर एक के रूम नूं डार्क कर दिता गया।
और नंबर दो ते डॉग अते जिहड़े मेन देखण च जा सकण वाले वेरीएबल सन स्टिमुलस सन पावलोव असिस्टेंट बैल फूड प्लेट इन्हां नूं अलग कर दिता गया एक दीवार करके इत्थे दीवार करके ये रखिया जाता है वह दरवाज़ा जिथों की फूड प्रोवाइड किया जाएगा और ये फूड प्लेट है सीधा फूड प्लेट नू डॉग देख नहीं सकता ये डॉग पावलोव नू देख नहीं सकता हाँ पावलोव डॉग नू देख सकता है ये डॉग असिस्टेंट नू देख नहीं सकता ये डॉग ये बैल जो इत्थे बैल है मेट्रोनोमे बैल है इस नू देख नहीं सकता सो ए की हो गई कंट्रोल्ड कंडीशन दूसरा की है साउंड प्रूफ रूम नू रखिया गया कि होर कोई आवाज डॉग नू ना सुने उसनू कंट्रोल किया गया ऑडिटरी स्टिमुलस नू फॉर एग्जाम्पल पैरां दी चाप जो है पैरां दी आवाज भी उसनू ना सुने तीसरा ये जो फूड सी जिहड़ा इत्थे प्लेस किया गया सी जो पिछे इमेज दिखा के आया हाँ इस नू भी कवर किया गया तां जो इस दी स्मैल कितों भी डॉग दे नक तक ना पहुंच सके फिर स्मैल ऑफ फूड इंटरवेनिंग वेरिएबल बन जाना सी उसनू भी कंट्रोल कर लिया गया इस तो बिना टोटल जो सैंपल लिया गया 40 तो प्लस डॉग्स ते पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया अच्छा डिपेंडेंट वेरिएबल की है रिफ्लैक्स रिस्पोंस जिहड़ा कि इत्थे जान लेना ज़्यादा जरूरी है रिफ्लैक्स रिस्पोंस अनकॉन्शियस माइंड तो आता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नर्वस सिस्टम तो आता है ए ऑटोमैटिक है इनवोलंटरी है इच्छा दे नाल नहीं आ रहा डिपेंडेंट वेरिएबल केड़े ना पिछे भी गल कर रहे हैं साउंड ऑफ बेल है साइट ऑफ फूड है एक इंपॉर्टेंट गल के इत्थे जो ट्यूब दिखाई गई है मोस्टली एदा दिखाया जाता है पर नॉर्मली ट्यूब जेड़ी वरती गई सी जां वरतिया जाना एदा बैटर है क्योंकि इस ट्यूब विच सलाइवेशन ट्यूब दे विच लगा नहीं रह जाता टोटल मेजरमेंट होंगी है ये अजिही पॉसिबिलिटी है पर इस जो समझना है इतने मूँह के पाइप लगाया गया है जिस से सलाइवेशन लार टपकती है और इस ड्रम विच किन्नी मात्रा विच ओ सलाइवा है वह मेजर किया जाता सी सो ये एक्सपेरिमेंटल सैटिंग हम देखते हाँ कि जो असल प्रयोग किया गया पावलोव के द्वारा उसनू ट्रेनिंग प्रोसीजर भी कहा जाता है जिस दे तीन फेजिज ने सिखलाई प्रक्रिया तीन पड़ाव और सारी अप्रोच उसकी क्वांटिटेटिव है मात्रात्मक है ये नाल नाल पिछे भी गल हो चुकी है अगे भी करते हाँ हुण तीन भागों में वंडिया गया है जिहड़ी कंडीशनिंग प्रोसीजर है ये पहला फेज है जां पहली स्टेज है जिसनू बिफोर कंडीशनिंग जां कंडीशनिंग तो पहला दी अवस्था कहा गया है उस पहली अवस्था नू अगो दो भागों में वंडिया गया है इसनू इत्थे मैं लिखा है पार्ट ए बिफोर कंडीशनिंग विच बेसिकली पावलोव की देखना चाहता सी कि फूड का सलाइवेशन प्रोड्यूस करने नाल कोई संबंध है कि बैल का सलाइवेशन प्रोड्यूस करने नाल कोई संबंध है सो जो फूड ते सलाइवेशन का बॉन्ड जां संबंध चेक किया जाता है उसनू पार्ट वन फेज वन का पार्ट वन किया जाता है सो पार्ट वन विच की है कि अनकंडीशन स्टिमुलस तो यह स्टोरी जां फिल्म जां ये थ्योरी शुरू होंदी है अनकंडीशनड रिस्पोंस तो पार्ट वन उस विच की है फूड प्रेजेंट किया जाता है और नाल ये देखा जाता है कि रिस्पोंस आ रहा है इस इमेज विच जिवें तुसीं देख रहे हो कि टेस्ट ट्यूब दे विच ए रिस्पोंस ऑटोमैटिक एकदम आ गया जदों भुखे डॉग नू फूड प्रेजेंट किया गया जदों उसने देख लिया उसनू जां उसनू स्मैल कर लिया जां उसनू टेस्ट कर लिया ये तीनों सेंसरी मोड इस स्टिमुलस दे हो सकते हैं सो फूड प्रेजेंट करन ते भुखे डॉग ने सलाइवेशन प्रोड्यूस किया टारगेट रिस्पोंस दिता जिवें पावलोव दे एक्सपेरिमेंट विच ओ फूड नू जदों ही प्रेजेंट किया जाता है डॉग फूड नू खांदा है नाल ही इस ट्यूब विच रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है जिन्नी सलाइवेशन हुंदी है क्योंकि क्वांटिटेटिव अप्रोच है इस तरह ओ मेजर हो जाता है किन्ने मिली लीटर रिफ्लैक्स रिस्पोंस जो कि सलाइवेशन है वह पैदा होया ते नाल ही असिस्टेंट जो भी है मेजरमेंट उसनू बुक विच नोटबुक विच रिकॉर्ड किया जाता है कि इस वार किन्ने मिलीलीटर सलाइवेशन पैदा होया सो पावलोव ने पार्ट ए दा कंक्लूजन की कढ़िया
कि फूड का अनकंडीशनड स्टिमुलस का रिस्पोंस ऑटोमैटिकली आ रहा है जो कि नैचुरल बॉन्ड है, कुदरती संबंध है। हाँ, इट इज नॉट लर्नड, ये सिखाया नहीं गया पावलोव या टीचर द्वारा, ये सिखाया नहीं गया। सो ये कुदरती बंधन है। जो स्टेज वन भाग ए विच करके आए हाँ उसनू इस तरह नोट कर सकते हैं तुसी। मैं रीड कर दिना हाँ। पावलोव कुत्ते नू भोजन पेश करता है, जो तो कुत्ता भोजन नू वेखदा जा सुंगदा है तो वह अपने आप कुदरती तौर पर लार पैदा करता है। इस संबंध में अजे तक कोई भी नवा व्यवहार नहीं सीखा गया। भुख और भोजन की पेशकारी तो बाद लार नू हर बार मापिया जाता है। नैक्सट है सैकेंड स्टेज ड्यूरिंग कंडीशनिंग या ट्रेनिंग प्रोसीजर भी इसनू कहिंदे हन। इस विच की होना है कि कंडीशनड स्टिमुलस ते अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड ते बैल दी एसोसीएशन करवाई जानी है, जोड़ के पेश कीता जाना है। लेकिन इहदे विच एक वड्डा फैक्टर ए है कि बैल ते फूड नू, फूड दी नेड़ता नू, समीपता नू, कॉन्टीग्यूटी नू किवें रखना है, इसलिए टाइम एक फैक्टर है जिहड़ा कि लर्निंग नू प्रभावित कर सकता है, कंडीशनिंग नू प्रभावित कर सकता है। पावलोव कोल ए नेड़ता दे सिद्धांत या समय दे सिद्धांत दे चार ऑप्शन सन। ऑप्शन नंबर वन के की बैल नू ते फूड नू, मन लो इस इमेज विच तुसी ये मन के चलो कि टाइम इत्थो स्टार्ट हुंदा है, ओके एग्जैक्ट जित्थो स्टार्ट हुंदा है। सो ओ की बैल नू ते फूड नू टुगैदर इकट्ठिया एकदम कट्ठे पेश करना चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल ये बैल वजनी शुरू हुई नाल ही फूड दिखना या उसकी स्मैल देनी शुरू कर दिती। दूजी ऑप्शन सी के जकी पहला बैल नू दिता जावे, जदों ही बैल टोन खत्म हुंदी है, बैल टोन इत्थों शुरू हुई, बैल टोन इत्थे खत्म हुई, एंड होया, नाल ही फूड दी प्रेजेंटेशन शुरू हो गई, दूसरी ऑप्शन ए सी। तीसरी ऑप्शन सी के बैल दिती जावे, उस तो बाद विच टाइम गैप रखा जावे थोड़े सैकेंड का, तो उस तो बाद फूड प्रेजेंट किया जावे। इन तीन सिचुएशन विच बैल पहला पेश की जा रही है, फूड बाद विच पेश किया जा रहा है, जिसनू फॉरवर्ड कंडीशनिंग का नाम दिता गया सी। चौथी ऑप्शन उल्टी है, तिना नालों उल्टी है कि पहला फूड पेश किया जावे तो फिर बैल दिती जावे कुछ गैप पा के, कुछ गैप तो बाद। इसनू बैकवर्ड कंडीशनिंग कहा जाता है, जिसके नतीजे बिल्कुल पुअर होंगे। ये चार वो ऑप्शन हैं कि पहली ऑप्शन विच बैल पहला है फूड बाद विच है, बैल पहला है फूड बाद विच है, बैल पहला है फूड बाद विच है, ये बिल्कुल नाल हैं। सो ये तीन जेड़ियां हैं जिथे फूड बाद विच ही रहिंदा है उसनू फॉरवर्ड कंडीशनिंग, और चौथी जिथे पहला फूड पेश किया जाता है फिर बैल दिती जाती है उसनू बैकवर्ड कंडीशनिंग कहा जाता है। ये कलर क्यों किए हुए हैं कि सब तो हरा कलर बेस्ट कंडीशनिंग लर्निंग वाल लैके जाता है, वो केड़ा है डिलेड कंडीशनिंग वाला, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और रेड कलर सब तो माड़ी कंडीशनिंग वाल लैके जाएगा, इसके बाद विच चर्चा करांगे। सो पावलोव ने चूज किया डिलेड कंडीशनिंग का ऑप्शन के बैल दिती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इतने बैल दी इतने बैल दी टोन शुरू हो गई, ये मान लो बैल वज रही है, इतने बैल वज रही है, बैल वज रही है, इतने बैल खत्म हो गई, नाल ही फूड की प्रेजेंटेशन शुरू हो गई, फूड की प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। इहदे विच वध तो वध अद्धे सैकेंड का गैप हो सकता है, इस तो वध नहीं। पावलोव ने इसे ऑप्शन नू चूज किया। सो ये ट्रायल वन है, ट्रायल वन विच सब तो पहला बैल दिती गई, बैल टोन खत्म हुंदी है, उस तो बाद एकदम नाल ही फूड पेश किया जाता है, फूड पेश करन दे नाल इना दी हुन एसोसीएशन हो गई डिलेड ऑप्शन दे मुताबक कंडीशन स्टिमुलस ते अनकंडीशन स्टिमुलस दी। उस तो बाद डॉग ये देखा जाता है कि सलाइवेशन प्रोड्यूस करता है, डॉग ने सलाइवेशन प्रोड्यूस, इसके पेशकारी दे नाल नाल ही डिपेंडेंट वेरीएबल नू ऑब्जर्व किया जाता है कि जदों ही पेश हो है कि सलाइवेशन प्रोड्यूस होया, यस उसनू मैयर कर लिया जाता है। बैल ते फूड देन दे नाल एकदम सलाइवेशन दी रिकॉर्डिंग नू मैयर किया जाता है, सलाइवेशन दी मैयर नू रिकॉर्डिंग किया जाता है और नोटबुक विच नोट कर लिया जाता है। सो ए
एक्वायरिंग बॉन्ड एक प्रोसैस है चल रही जिस विच बैल फूड दे कैरेक्टरिस्टिक्स नू एक्वायर कर रही है। इस नू एक बार प्रैक्टिकल रूप विच देख लेने हाँ। ए ओ दीवार है, इस दे पिछे डॉग है और ए डोर ऑलरेडी असी जानते हैं, फूड प्लेट इत्थे है, एकदम प्रेजेंट की जाएगी। ए बैल है, मेट्रोनोमे बैल, बैल दिती जाएगी जदों ही ध्वनि खत्म होंदी है बैल दी, नाल ही फूड नू प्रेजेंट किया जाएगा। सो ये हंगरी डॉग है, वेट कर रहा है कि फूड आएगा और बैल दिती जा रही है, बैल दे नाल ही एकदम फूड नू प्रेजेंट किया जाता है। फूड नू प्रेजेंट करन तो बाद डॉग फूड नू खा रहा है और ये सलाइवेशन जो है रिकॉर्ड हो रहा है। सो इस प्रक्रिया नू रिपीट किया जाता है। देखो यही अगे जाके प्रिंसिपल बन जाने हैं, इत्थे प्रिंसिपल एसोसिएशन बन गया, जो रिपीट करांगे प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस या रेपिटेशन बन जाएगा। पिछे करके आए हैं इन्हां दोनों की नेड़ता किन्नी रखनी है, प्रिंसिपल ऑफ टेंपोरल कॉन्टीग्यूटी। सो ट्रायल वन सी ट्रायल टू, वल जिदा जिदा जावांगे उस तरह असी मूव कर रहे हैं, मूविंग फ्रॉम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम फूड टू कंडीशनल रिस्पॉन्स दैट इज ऑन साउंड ऑफ वैल ऑन द रेपिटेशन। दोहराओ ते बिना शर्त वाला उत्तेजना भोजन तो शर्त प्रतिक्रिया घंटी की आवाज़ वल नू वधदा है। हुण ट्रायल वन होया सी, ट्रायल टू विच फिर सब कुछ रिपीट किया जाता है, बैल दिती जाती है, फूड दिता जाता है और सलाइवेशन रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रायल नंबर थ्री फिर बैल दिती जाती है, फिर फूड दिता जाता है और सलाइवेशन रिकॉर्ड हो जाता है। फिर चौथा ट्रायल है, रेपिटेशन हो रही है, बैल दिती जाती है, एकदम बाद फूड दिता जाता है और रिकॉर्डिंग हो जाती है सलाइवेशन की, रेपिटेशन होंदी है पंजवें ट्रायल दी। फिर बैल दिती जाती है, फूड दिता जाता है, नाल ही रिकॉर्डिंग हो जाती है सलाइवेशन की। नैक्सट ट्रायल सिक्स होंदा है, फिर बैल दिती जाती है, नाल फूड दिता जाता है और रिकॉर्डिंग हो जाती है सलाइवेशन की। अकॉर्डिंग टू पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग इस रेपिटेशन के नाल फूड के सारे गुण बैल ने एक्वायर हासिल कर ले। मतलब हुण प्रॉबेबिलिटी है कि होना है कि फूड नू पिछे कर दिता जाएगा, बैल दिती जाएगी, तो ये देखा जाएगा कि बैल ते रिस्पॉन्स सलाइवेशन पैदा होंदा है कि नहीं। इत्थे सैकेंड स्टैप खत्म हो जाता है, सैकेंड स्टेज खत्म हो जाती है, थर्ड फेज आफ्टर कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। उस विच की होंदा है कि फूड नू हटा दिता जाता है, बैल नू प्रेजेंट किया जाता है और ये देखा जाता है कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। बैल दे प्रेजेंट होने ते एकदम रिस्पॉन्स आ जाता है। सो ये जो पहला कनेक्शन नहीं सी, ये कनेक्शन ए बॉन्ड एक्वायर कर लिया गया जिसनों कंडीशनिंग जां अकॉर्डिंग टू पावलोव लर्निंग किया जाता है। आप पीछे करके आए हाँ, जिथे एल है उसकी सी बना लेनी है तो वह कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग का मतलब ही इतने लर्निंग है। ये जो बॉन्ड है ये नैचुरल नहीं है, एक कुदरती नहीं है, ग्रहण किया होया है, ये सिक्ख्या का काम है, इसनू अनलर्न भी किया जा सकता है। इत्थे वातावरण का रोल है जो कि एक स्टिमुलस बैल दे इफेक्ट दे तौर पर देखा गया, ये अनुभव करके है जां एक्सपीरियंस करके है, जो कि बैल दिती जाती है नाल ही रिस्पॉन्स आ जाता है, जो कि पहला नहीं सी। किसी ट्रायल वन या जीरो ट्रायल विच बैल दिती जाती सी लेकिन रिस्पॉन्स कोई नहीं सी आंदा। इट मीनस के जो बैल न्यूट्रल स्टिमुलस सी, न्यूट्रल स्टिमुलस कदों सी, जदों टारगेट रिस्पॉन्स नहीं सी आंदा। जदों टारगेट रिस्पॉन्स नहीं आंदा जिस स्टिमुलस ते उसे नू न्यूट्रल स्टिमुलस कहिंदे है। सो न्यूट्रल स्टिमुलस बैल सी लेकिन उस नू अनकंडीशन स्टिमुलस फूड नाल एसोसीएट करके नेड़ता नाल रख के सत ट्रायल विच रिपीट किया गया, जिस करके बैल ने फूड वाले करैक्टरिस्टिक अक्वायर कर ले। पर जिथे कि पहला बैल नाल कोई रिस्पॉन्स नहीं सी आता, हुण सत्तवें ट्रायल विच बैल दित्या नाल ही रिस्पॉन्स आ जाता है। सो दिस इज एक्वायर्ड बॉन्ड। से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो फूड ते सलाइवेशन की मात्रा, लार की मात्रा किन्नी पैदा होंदी है, ते कंडीशनड रिस्पॉन्स बैल ते जदों के थर्ड ट्रायल विच कंडीशनड रिस्पॉन्स सिख लिया रिस्पॉन्स जदों लार पैदा हो रही है उसकी मात्रा किन्नी है। ये रेड वाला वो है कि जदों फूड दिता जाता है तो रिकॉर्डिंग की जाती है किन्ना सलाइवेशन की मात्रा है, पहला मैं दिखा के आया हाँ उसकी रिकॉर्डिंग है। ये हुण दी रिकॉर्डिंग है, बैल दिती जाती है तो ये लार टपकती है, बैल दिती जाती है, लार टपकती है, बैल दिती जाती है।
सो इस दी मात्रा रिलेटिवली फूड ते जिन्ना सलाइवेशन पैदा हुंदा है उस दी मात्रा नालो कट है. मीन अनकंडीशनड स्टिमुलस ते नैचुरल स्टिमुलस ते नैचुरल बॉन्ड ते टारगेट रिस्पोंस दी मात्रा ज्यादा हुंदी है जबकि आर्टिफिशियल जां कंडीशनड स्टिमुलस ते उसकी मात्रा तुलनात्मक तौर पर थोड़ी घट होंदी है. सो एक ग्राफ बना सकते हो एग्जाम विच साउंड ऑफ बैल है, फूड है, सलाइवेशन एज अ रिस्पोंस है, फेज वन है जिस विच ए ते बी है, साउंड ऑफ बैल दिती जांदी है, फूड नहीं दिता जांदा, क्रॉस है लेकिन कोई सलाइवेशन पैदा नहीं हुंदा, इत्थे न्यूट्रल स्टिमुलस है. बी विच फूड दिता जांदा है लेकिन बैल नहीं दिती जांदी, हाँ सलाइवेशन पैदा हुंदा है. ये पहली फेज है. ड्यूरिंग कंडीशनिंग विच बैल ते फूड नू एसोसिएट करके पेश कीता जांदा है, इसकी रेपिटेशन कीती जांदी है, सलाइवेशन पैदा हुंदा है. इहदे विच बैल एक्वायर कर लेंदी है सारे करैक्टरिस्टिक्स फूड दे. आफ्टर कंडीशनिंग थर्ड फेज विच बैल सिर्फ दिती जांदी है, फूड नहीं दिता जांदा ते सलाइवेशन पैदा हुंदा है जिस नू कंडीशनड स्टिमुलस ते कंडीशनड रिस्पोंस जां लर्निंग किया जांदा है. शब्दों में जो लिखना है कि थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की है, बहुत ज़्यादा ईजी. नकली उत्तेजना ते असली प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस ते ओरिजिनल रिस्पॉन्स पैदा हो सकता है, लेकिन कंडीशन अनकंडीशन शब्द जो वर्तने हैं उदो थोड़ा जहा औखा लगेगा, इसलिए भोजन ते बैल नू नाल नाल समझ के लिख सकते हैं. ये एक प्रक्रिया है जिस विच एक कंडीशन उत्तेजना घंटी की आवाज़ बिना शर्त उत्तेजना जो कि भोजन है दे नाल जोड़ के एक गैर शर्त उत्तेजना दियाँ सारियाँ विशेषतावां मूल जवाब लार दा टपकना पैदा करना प्राप्त कर लेंदा है. सो ये स्टेटमेंट किन्नी औखी लगती है लेकिन जदों उस डायग्राम नू पिछली नू डिस्कस करके सामने रख के देखोगे तो बहुत आसान है. जिस विच यही कहा गया है बैल ते कोई सलाइवेशन पैदा नहीं सी हुंदा लेकिन बैल नू फूड नाल रिपीट करन ते फिर फूड नू हटाउन ते बैल ते पेश करन ते फूड. इसका मतलब यही है कि पहली स्टेज विच जिथे बैल ते कोई रिस्पोंस टारगेट रिस्पोंस नहीं सी आंदा, थर्ड स्टेज ते उही बैल ते टारगेट रिस्पोंस आ जाता है. एनी गल है इंग्लिश विच नोट कर सकते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन अगे नोट कर सकते हो. जे होर तरह उसनू एक्सप्लेन करना है एक निरपक्ष उत्तेजना द्वारा कंडीशनड कुदरती जवाब लिया जा सकता है, नैचुरल रिस्पोंस कंडीशनड बाय द न्यूट्रल स्टिमुलस. क्लासिकल कंडीशनिंग दी एग्जाम्पल्स लाइफ च देखिया जा सकदियां हन. फॉर एग्जाम्पल रोमांस या सैक्स दी एग्जाम्पल लई है, इत्थे इह जाण लईए लड़का ते लड़की एक दूजे लई स्टिमुलस हन ते सैक्सुअल बिहेवियर उहनां दा रिस्पोंस है. जदों प्यूबर्टी पीरियड चों लड़का जां लड़की निकलदे हन बायोलॉजिकल चेंज आंदे हन ते बायोलॉजिकल चेंज नैचुरल हन, ओपोजिट सैक्स नूं देख के एकदम रोमांटिक जां सैक्सुअल फीलिंग आंदी है, नैचुरल बॉन्ड है. खुद ब खुद टच करन नूं जी करदा है, खुद ब खुद रोमांस करन नूं जी करदा है, खुद ब खुद बिना लर्निंग तों जनरली लड़कियां वल्लों रिस्पोंस दे दित्ता जांदा है. पर हाँ अजिहा सैक्स कदे भी किसी फ्लार तो जां किसी घंटी तो पैदा नहीं हुंदा. सो ओ सी ए सी फूड दा काम कर रहा ओपोजिट सैक्स और ए है न्यूट्रल जो बैल. इस एग्जाम्पल विच मतलब इसकी सुगंध नाल इसके देखण नाल इसके टच करन नाल कोई सैक्स की फीलिंग नहीं पैदा हो रही, पर जदों एक प्यारा जां एक प्रेम करन वाला जां रोमांटिक परसन रोमांस तो पहला एक फुल प्रेजेंट करता है, जदों एक रोमांटिक परसन या प्रेमी अपने प्यारे स्टिमुलस नू ओरिजिनल स्टिमुलस नू मिलन लग्या आर्टिफिशियल स्टिमुलस फुल प्रेजेंट करता है, फुल प्रेजेंट करके उस तो बाद रोमांटिक या सैक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो ये प्रक्रिया रिपीट हुंदी है. तो इहदे विच प्रेमी दे सारे करैक्टरिस्टिक्स फ्लार ले जा रहा है. मान लो एक दिन एक दो चार पांच हफ्ते ये प्रेमी प्रेमिका मिले, उस तो बाद ये दूर हो गए, प्रेमी अमेरिका चला गया और अकेला फुल किते बाजार विच उसे प्रेमी नू दिखाई देता है, एकदम ओही रिस्पोंस बेशक प्रेम दा होवे सैक्स दा होवे रोमांस दा होवे वो भावना एकदम जाग जाएगी. इस तरह हुंदा होएगा तुसी जे अपने प्रेमी नू मिलदे हो तो जदों रिंग टोन अपने फोन की लगी है उन्हों का फोन आता है, कोई सोंग जदों तुसी मिले सी सोंग चलता सी किसी थां ते मिले सी
जिथे इकट्ठिया बैठ के खादा सी, जिथे जो उन्होंने कोई गिफ्ट दिता ही, टैडी बियर दिता सी, कोई शर्ट दिती सी, वो न्यूट्रल स्टिमुलस सी। लेकिन जो उन्होंने जुड़ गए उस तो बाद वो कंडीशनड स्टिमुलस बन गए, मतलब कि इस किसी भी स्टिमुलस तो अपने प्यारे की याद आती है। दिस इज क्लासिकल कंडीशन।